नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द विक्ट्री ज्ञान पर। जीत आपकी, खुशी हमारी। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसके ऑथर हैं डेविड जे श्वार्ट्ज। जो भी बातें आप इस ऑडियो बुक में सुनने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनेगा और कंप्लीट सुनेगा। तो चलिए आज की ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं। हर रोज अपने आप को ऐसा बोलें, मैं योग्य हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा चरित्र, मेरे विचार, मेरा दृष्टिकोण से मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ, मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। खुद पर विश्वास करें, तभी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। जब भी आप सुबह उठते हैं तो उठते ही आपको सबसे पहले क्या कहना है, आइए जानते हैं। आज कितना बढ़िया दिन है, आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें, आइए जानते हैं इसके तीन उपाय। पहला, सफलता की बात सोचें। चाहे आप घर पर हो या नौकरी पर हो, जहां भी हो आप सिर्फ सफलता के बारे में सोचें। मैं जीत जाऊंगा, ऐसा एटीट्यूड रखें। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। नंबर दो, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। नंबर तीन, बड़ी सोच में विश्वास करें। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। बहानासाइटिस का इलाज कराएं, यह असफलता की बीमारी है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है। सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन करें और आप सब में एक बात अवश्य पाएंगे, असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है परंतु वह बनाता नहीं है। कुछ लोग बहाने बनाते रहते हैं, कुछ ऐसे बहाने भी बनाते हैं, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती, मेरी सेहत खराब है। दोस्तों, सेहत के बहानासाइटिस से बचने के चार तरीके हैं, आइए जानते हैं। पहला, अपनी सेहत के बारे में कभी बात न करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों न हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती चली जाएगी। नंबर दो, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। नंबर तीन, आपकी सेहत जैसी भी हो आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। नंबर चार, आपको जीवन आनंद लेने के लिए मिला है, इसे चिंता करने में बर्बाद न करें। और किसी ने कहा भी है, चिंता नहीं चिंतन करें। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मैं भूल जाता हूँ या फिर मैं ये बातें याद नहीं रख पाता हूँ। ऐसे बहानासाइटिस के क्या इलाज हैं, आइए जानते हैं। पहला, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम न आंकें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। नंबर दो, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। नौकरी और घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें, काम करने के तरीके खोजें। नंबर तीन, अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उम्र का बहाना साइटिस लगाते रहते हैं, कुछ उम्र के बहाने बनाते हैं, जैसे मेरी उम्र हो चली है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उम्र के बहाना साइटिस का क्या इलाज है, आइए वो भी जान लेते हैं। जो लोग उम्र का बहाना बनाते हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, इसका उपाय यह है कि हमारी उम्र कितनी है इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नज़रिया ही हमारे लिए वरदान या शाप बन जाता है। सिर्फ तीन बातें याद रखो और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। पहला, उम्र पर ध्यान ही मत दो। नंबर दो, अपने प्रमोशन पर कभी इतराने की कोशिश मत करना। नंबर तीन, इस बात की आदत डाल लो कि तुमसे ज़्यादा उम्र वाले लोग तुम्हारे अधीन काम करें। ये सब आपका एटीट्यूड होना चाहिए।
उम्र के बहानासाइटिस का इलाज यह है। आइए गौर से सुनते हैं। पहला, अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। यह सोचें, मैं अभी भी युवा हूँ। अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करने से आपके ऊपर उत्साह और आप अधिक युवा भी फील करेंगे। नंबर दो, हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। ज्यादातर लोग जितना सोचते हैं, जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। नंबर तीन, भविष्य में वो काम करें जो आप करना चाहते हो। यह सोचना शुरू करें, मैं अब शुरू करने जा रहा हूं, मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरह से सोचते हैं। तो दोस्तों, आज ही ऐसी थिंकिंग आप सोचने लग जाएं, ताकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। जो लोग किस्मत का रोना धोना करते रहते हैं, उनके लिए पॉजिटिव बातें ये हैं। किस्मत के बहानासाइटिस के दो तरीकों से किस्मत का बहानासाइटिस के बचाव के तरीके ये हैं। पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। कोई आदमी खुशकिस्मत है तो जरा गौर से देखें, आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नजर में अच्छी किस्मत समझते थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नजरिए का परिणाम है। नंबर दो, कभी भी ऐसे सपने ना देखें जिनमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं। तो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करिए और आज ही अपनी थिंकिंग बदल दें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो हम अगर अमीर बनना चाहते हैं या फिर हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें बड़ा सोचना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए नमस्कार।